हेलो रीडर्स, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कईयों के लाइफ को बदला है। ये उनकी लाइफ के लिए गाइडेंस बनकर निकला जब उनको एक बीमारी ने घेर रखा था जो किसी भी इंसान को अंदर ही अंदर मार सकता है, वो है नेगेटिव इमोशंस का। वैसे इस टॉपिक पे कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बुक अब तक की सबसे आसान भाषा में से एक है। तभी तो इस बुक के 2 लाख से ज्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं और उनमें से कईयों ने इसे पढ़ने के बाद मास्टरी की डिग्री हासिल कर ली है जो हमारे इमोशंस का है। मास्टर योर इमोशंस के ऑथर का नाम थिबोट म्यूश्यू है, जो एक ऑथर और लाइफ कोच हैं। इनका विजन लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ऊंचाई तक पहुँचाना है और ये बुक उनका ही हिस्सा है। इस बुक की मदद से आप अपने इमोशंस के उन पहलुओं को डिटेल में जान पाएंगे, बल्कि उनकी फियर लिमिटेशन को ओवरकम करके वो इंसान बन पाएंगे जो आप सही मायने में बनना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हमारा माइंड नेगेटिविटी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है और हम उन्हें कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे हम अपने फियर और डिप्रेशन जैसे इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उन्हीं को अपना हथियार बनाकर खुद को ग्रो कर सकते हैं। सो रीडर्स, आज से अपने इमोशंस पे मास्टरी हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ और फोकस्ड होकर इस समरी से कुछ सीखने की कोशिश करें। हम अपनी लाइफ में कई तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पर अफसोस की बात है कि इस टॉपिक के बारे में ना तो हमारे स्कूल वालों ने बताया ना हमारे घर वालों ने। इमोशंस के बारे में बात करने से पहले आप कमेंट में ये बताइए कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो, क्योंकि आप कैसा फील कर रहे हो ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है। और अगर आपका जवाब ये है कि मैं फील कर रहा हूँ कि ये बुक मुझे बहुत कुछ सिखाने वाला है, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। ये आप फील नहीं, बल्कि ये आपकी थिंकिंग है या सोच है कि आज मैं इस समरी से कुछ सीखने वाला हूँ, और यही सोच आपको इस समरी को देखने या बुक को पढ़ने के लिए एक्साइटेड बना रही है। इट मीन्स ये आपका एक्साइटेड इमोशंस है जो आपकी बॉडी में फिजिकल सेंसेशन क्रिएट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव बातों को ज्यादा पसंद करता है? अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फियर ऑफ रिजेक्शन है। पहले के जमाने में भी अगर किसी ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती थी, और तब से लेकर आज तक कहीं ना कहीं ये जेनेटिकली हमारे साथ चलती आ रही है। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, या आपके बॉस ने आपका काम को रिजेक्ट कर दिया, या आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर आपके दिमाग में तुरंत नेगेटिव इमोशंस रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है कि मेरा प्यार मुझे मिलेगा या नहीं, या मुझे अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं, या एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं। और यही रीजन है कि रिजेक्शन बहुत पेनफुल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे इतने मेहनत करने के बाद अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो शायद मेरे दिमाग में फियर ऑफ रिजेक्शन पैदा कर सकता है। बट आई नो आप बड़े सिंसियर रीडर्स हो। ऑथर कहते हैं कि दिमाग का पहला काम आपको खुश करना नहीं होता है, इनका ज्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पे होता है। क्या आपने कभी डोपामाइन के बारे में सुना है? यही वो है जो हमारे ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया से तब रिलीज होती है जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज्यादा खुशी मिलती है, चाहे वो हमारे सामने रखा हुआ डिलीशियस खाना होता है या अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात की भनक तक नहीं है कि कई सारे बिजनेसमैन डोपामाइन को आर्टिफिशियली जनरेट करके करोड़ों का रेवेन्यू बना पा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है जो इन्हीं साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आपका सबसे कीमती चीज छीन लेती है, वो है वक्त। सो जो खुशी आपको फेसबुक को स्क्रॉल करने से मिल रही है, असल में वो डोपामाइन रिलीज होने की वजह से मिलती है, और ये हैप्पीनेस का वो वर्जन है जो बाद में आपको अनहैप्पी बना देगा। ऑथर ने यहाँ एक बात और ऐड की है और कहा कि सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि हमारा ईगो भी इसमें बराबर के पार्टनर है, और इसने तो हमारे पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ा। तभी तो उनको लगता है कि ये हमारे बच्चे हमारे खुद की प्रॉपर्टी हैं और इसके हर चीज पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तभी तो वो बात आपको याद होगी कि बचपन में हम अक्सर टीवी देखा करते थे तो पीछे से जो चिल्लाने की आवाज आती थी वो हमारे पेरेंट्स की तो होती थी, क्योंकि आपका ईगो सिर्फ आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आपका ईगो हर्ट हो जाए तो कई सारे इमोशन रिलीज करता है, चाहे सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन या फिर एंगर का, तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए, जो हम आगे जानेंगे। व्हाट इम्पैक्ट योर इमोशंस।
आखिर क्या है जो आपके इमोशंस को प्रभावित करता है, तो इसका सिंपल जवाब गीगो प्रिंसिपल में मिलता है, यानी GIGO, जिसका सिंपल डेफिनेशन है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ यू डू इल स्पीक इल थिंक इल द रेसिड्यू इज गोइंग टू लीव यू सीक। इफ यू डू वेल स्पीक वेल एंड थिंक वेल द आउटकम इज गोइंग टू बी वेल। मान लो कि आपने कोई रोमांटिक मूवी देखी तो 99% चांस होता है कि वो आपको आपकी पार्टनर के साथ रोमांस करने के लिए इनकरेज करेगा, और उन्हीं आंखों से जब आप मोटिवेशनल मूवी देखते हो तो वो आपको मोटिवेट करेगा। सो इसका मतलब आपके एक ब्रेन के टू डिफरेंट आउटकम हुए। बस ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। इसी तरह हमारा इमोशन कॉम्प्लेक्स है जो कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है कि आप क्या फील कर रहे हैं, और अगर आप उन सर्वाइवल मैकेनिज्म से निकली हुई इमोशंस रिएक्शन को देखें तो ज्यादातर इमोशंस हमारे थॉट का रिजल्ट होता है। पर फिर भी ये अकेला इस बात का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपका शरीर, आपकी आवाज, आप क्या खाते हैं और कितनी अच्छी नींद लेते हैं, ये भी आपके क्वालिटी ऑफ इमोशन या कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इमोशंस कैसे आपकी नींद पे इम्पैक्ट करता है, आपने कभी ना कभी ये बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या गर्लफ्रेंड से चैट करते हो या कोई मूवीज देखकर पूरी रात जाग रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो हमारी और आपकी नींद है, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसके बाद आप किसी भी काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे या फिर आपके पास निगेटिव इमोशन से लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। ऑथर ने बताया कि 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च कंडक्ट किया गया जिसमें कुछ लोगों को सोने के लिए कहा गया, तो उस रिसर्च से पता चला कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी मोर्टैलिटी रेट 13% बढ़ जाती है उनके कंपैरिजन में जो लोग 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं। अब सवाल यह है कि आपको अपनी नींद की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करना है। मेक योर बेड इज पिच ब्लैक मीन्स लाइट ऑफ कर लो, या फिर मार्केट से एक स्लीप मास्क ले आओ। अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी और टैब। रिलैक्स योर माइंड, और सबसे जरूरी बात, सोने से 2 घंटे पहले ज्यादा पानी पीना अवॉइड करो, जिससे आपको अपनी नींद को तोड़कर बार बार बाथरूम जाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह हमारा बॉडी लैंग्वेज, थॉट और हमारा इन्वायरमेंट आपके इमोशन पर बड़ा गहरा इम्पैक्ट करता है, यानी आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो अक्सर डीमोटिवेट करते हैं। हाउ टू चेंज योर इमोशंस, आपने अक्सर ये चीज देखी होगी कि आपका दिमाग हमेशा नाव को रिजेक्ट करता है और इसे भागने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अगर आप नाव को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो बदले में ये आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। ऑथर ने हमें इस चैप्टर में सिखाया है कि हम अपनी नेगेटिव इमोशन से कैसे बच सकते हैं और उसे बैलेंस करके अपनी बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर इमोशंस कैसे बनते हैं। ऑथर ने कहा कि नेगेटिव इमोशंस के 2 फॉर्म्स होते हैं। पहला नेगेटिव इमोशन जो हम स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस करते हैं, और ये इमोशंस आपको जिंदा रख सकता है। जैसा कि हमारे एंसेस्टर्स को कोई खूंखार शेर दिख जाता तो वो फियर वाली इमोशन रिलीज करते थे, लेकिन शेर के जाने के बाद उनका फियर वाला इमोशन खत्म हो जाता था। दूसरा नेगेटिव इमोशंस वो है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास इस वक्त पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट आती रहेंगी, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होगी। और हमारी इमोशंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 3 चीजें बाखूबी अपना रोल प्ले करती है। पहला, इंटरप्रिटेशन, जब आप किसी भी थॉट और इवेंट को अपनी पर्सनल स्टोरी से इंटरप्रेट करते हो। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन, जब आप किसी स्पेसिफिक थॉट को आइडेंटिफाई करते हो जैसे ही वो बाहर आती है। थर्ड, रिपीटेशन, फिर बार बार उस थॉट के बारे में सोचते रहते हो, जिसके बाद ये 3 चीजें मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बना देती है। इतना सब होने के बाद भी ऑथर कहते हैं कि जितना भी हो जाए, इमोशन आर जस्ट इमोशंस। आप कुछ सिंपल टेक्निक्स को फॉलो करके इसे दूर भगा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार सोच कर देखो, अगर किसी पेट डॉग को उसका मालिक घर से निकाल देता है तो क्या उन डॉग्स को बुरा फील नहीं होता होगा? क्या वो डिप्रेशन के शिकार होते होंगे? अगर होते भी हैं तो फिर वो खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता है तो फिर भी हम इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। और यही काम आपको भी करना चाहिए। अगर छोटे मोटे ट्रॉमा या नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है, जैसा कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, कुछ ऐसा करना जिससे आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो। मगर बात डीप इमोशन
डिप्रेशन की हो तो ऑब्वियसली आपको उससे बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। इससे बचने के लिए एक पेन पेपर निकाल लो, फिर उन सारे नेगेटिव इमोशंस को नोट करो और खुद से ये सवाल करो कि आपको ये नेगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है। क्या आप इन फीलिंग को लेट गो कर सकते हो? पर अगर इसका जवाब आपके अंदर से ना में आता है तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ताकि आप उन हैबिट की मदद से उन सारे नेगेटिव इमोशन को काबू कर सकते हैं। ऑथर ने नेक्स्ट चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग बात बताई है और कहा है कि क्या आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी इमोशन एक्सपीरियंस करते हो, आप इन्हीं को अपना हथियार बनाकर ग्रो कर सकते हो। वो कैसे होगा समझते हैं। हाउ टू यूज योर इमोशन टू ग्रो। हमने इमोशंस की गलत इमेज अपने दिमाग में बना कर रखी है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हम कमजोर बने हैं। पहले तो आप लोग ये बात सच सच बताइएगा कि आप इंडिपेंडेंट कब हुए, और अगर सक्सेस भी हुए तो किस लिए। मैं बताता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी आपने अपने जिंदगी में जो ठोकरें खाई है तो उसी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। वैसे ये बड़ी साइलेंट सीख थी। क्या आपको पता है कि इमोशन के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। बस जरूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें। लाइफ में तीन चीजें हमेशा याद रखना, अपने इमोशन से हमेशा अवेयर रहना, दूसरा अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहना, और इमोशंस के बारे में लिखते रहना। इसके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कि कितनी छोटी छोटी रीजन की वजह से आपने अपना पूरा वक्त अपसेट होकर गुजारा है। और इसी तरह अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करो और उसे अपनी लाइफ की मूवीज की तरह रेटिंग दो कि आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। और जब भी आप लाइफ के किसी भी कॉर्नर में फंस जाओ तो आप उसे बाहर निकलने के लिए ये तीन स्टेप फॉलो कर सकते हैं। पहला, सारे टास्क की लिस्ट बना लो। दूसरा, उसे एनालाइज करो और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहले उसी इम्पोर्टेंट टास्क को कम्प्लीट करना, जिसके बाद जो मैजिक आपके साथ होगा वो डेफिनेटली आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। लेकिन उस एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करना ना भूलना, जिसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। सो रीडर्स, आज की समरी में इतना ही। आई होप इस समरी से आपको काफी चीजें सीखने मिली है। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।